हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए फेस सेकंड का पार्ट 4 लेके। अभी तक हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे एक पार्ट में, लेकिन वीडियो की लेंथ लंबी हो जा रही थी, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब हम 25 क्वेश्चन एक पार्ट में कवर करेंगे। इससे वीडियो की लेंथ भी शॉर्ट रहेगी और जो भी मैं कवर करवाना चाहता हूँ वो कवर हो जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अगर 25 क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा तो ये वीडियो जो है जाके 2 महीने में जाके कंप्लीट होंगी। मैंने जो आपसे कहा था कि लॉकडाउन के पीरियड के दौरान यानी 15 अप्रैल तक ये वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। अगर बचेंगी भी तो एक दो वीडियोस बचेंगी, आप निश्चिंत रहिएगा, वो अगले एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर 25 क्वेश्चन करते हैं तो ये वीडियो 2 महीने जाने वाली हैं। नाबार्ड का एग्ज़ाम आपका मई या जून में तो होगा ही, लॉकडाउन इससे ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाला है और ना ही कोरोना रहने वाला है। और अगर आपकी ये वीडियो 20 अप्रैल तक खत्म हो जाती है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, मैं जो भी मिस्टेक करता हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो भी फैक्ट गलत बोल देता हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट जरूर करवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बता रहा हूं वो आप लोग नोट कर ले रहे होंगे और अगर एग्जाम में वो आ रहा है तो उसको आप गलत कर सकते हैं। इसलिए मैं अगर कोई भी फैक्ट गलत बोलता हूं तो उसको करेक्ट जरूर करवाता हूं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था आपका कि MS स्वामीनाथन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है एग्रीकल्चर की फील्ड में। हालांकि वो MS स्वामीनाथन नहीं, नॉर्मन बोरलॉग थे। तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था एग्रीकल्चर में उनके योगदान के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर की फील्ड में तो नोबेल दिया नहीं जाता, इसलिए उनको पीस के यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अंकित राज जी ने कमेंट भी किया था, अंकित राज जी ने, तो देखिए कमेंट करना बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है मैं नोट ना कर पाऊँ, तो वो आप कमेंट के थ्रू बता देते हैं। तो अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ कभी भी किसी भी वीडियो में तो आप उस पर कमेंट जरूर करें। हालांकि मैं वीडियो एक बार जरूर देखता हूँ अपलोड करने के बाद, अगर मुझे कोई गलती उसमें दिखती है तो मैं उसको करेक्ट करवा देता हूँ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, आपको बताना है कितने परसेंट रूरल पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया है। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत इंडिया की 75% रूरल पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया है, यानी ग्रामीण जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है। जो आपका एक्ट है, इंडिया की टोटल 2/3 पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया है, यानी कि लगभग 67% पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया है, जिसमें से रूरल पॉपुलेशन 75% है और अर्बन पॉपुलेशन आपकी 50% है। तो आप ये याद रखिएगा, जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत कितने टन या फिर कितना फूड ग्रेन एलोकेट किया गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पर ईयर 61 मिलियन टन फूड ग्रेन एलोकेट किया गया है, यानी कि जो भी उत्पादन होता है उसका आप 61 मिलियन पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए अलग रख लेंगे, उसके बाद जो भी बचता है आप उसमें देखेंगे कि क्या करना है उसका। तो 61 मिलियन टन ग्रेन आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए अलग कर दिया गया है। बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो इसमें जो है आपको ₹1 per kg न्यूट्री सीरियल्स, ₹2 per kg वीट यानी गेहूं आपको, और ₹3 per kg राइस यानी सब्सिडाइज प्राइस पे आपको जो है फूड अवेलेबल करवाया जाता है। कई सारी स्कीम हैं जिनको इसमें सबमर्ज कर दिया गया है, जैसे आपकी मिड डे मील स्कीम हुई, या फिर ICDS स्कीम हुई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या फिर PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है आपकी। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके साथ साथ एक और स्कीम है मैटरनिटी इंटाइटलमेंट, तो लगभग 4 स्कीम है इस समय जिनको फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सबमर्ज कर दिया गया है। मैं बता दूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो इसमें जो BPL फैमिली होती है उसको 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ अवेलेबल करवाया जाता है, और साथ ही साथ जो अंत्योदय फैमिली होती है उनके लिए अलग प्रावधान है, उनको एक फैमिली को 35 kg फूड ग्रेन अवेलेबल करवाना ही होता है। तो आप याद रखिएगा इतना अंतर होता है नॉर्मल फैमिली में और अंत्योदय फैमिली में। तो आई होप आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूरा कवर कर लिया है, कितने परसेंट पॉपुलेशन ये कवर करता है, कितना फूड ग्रेन को एलोकेट किया गया है, ये सब मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, कंपनी एक्ट 2013 जो कि कंपनी एक्ट 1956 का संशोधित रूप है, आपको बताना है कि अगर कोई कंपनी सारी कंडीशंस फुलफिल करती है तो उसको कितना परसेंट CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पे करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी कंपनी एक्ट 2013 के तहत सारी कंडीशंस को पे करती है, कंप्लीट करती है, तो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट के एवरेज का 2%, अगर लास्ट 3 ईयर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उन 3 वर्षों के प्रॉफिट का आप एवरेज निकाल लेंगे और उसका 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना पड़ेगा कहीं भी। और अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो आपका जो है कंपनी एक्ट 2013 में 7th शेड्यूल है, उसमें कई सारे फंड्स का निर्माण किया गया है, अगर आप खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपका वो प्रॉफिट का अमाउंट उस फंड में चला जाएगा। बात करते हैं आपके कंपनी एक्ट 2013 की, जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कंडीशंस क्या हैं। इसकी कंडीशंस हैं कि उस कंपनी को जिसका लास्ट ईयर प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक हो, सेकंड कंडीशन है, या फिर 1000 करोड़ की नेटवर्थ हो उस कंपनी की, या फिर 500 करोड़ का टर्नओवर हो,
तो मतलब इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन कंपनी ने कंप्लीट कर दी तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना ही पड़ेगा पिछले 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट का, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्विस एरिया अप्रोच। ये जो है रूरल लैंडिंग के लिए यानी ग्रामीण इलाकों में रेड के लिए लागू किया गया था। आपको बताना है कि ऑल ओवर इंडिया में कब से लागू किया गया था। देखिए स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपका 1980 में ये अस्तित्व में आया था आपका सर्विस एरिया अप्रोच। लीड बैंक स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था आपका, जो कि आपकी लीड बैंक स्कीम स्टार्ट हुई थी 1969 में। तो 1969 में आपकी लीड बैंक स्कीम स्टार्ट हुई रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो उसको ध्यान रखते हुए 1989 में आपका सर्विस एरिया अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे लॉन्च किया गया ताकि रूरल एरियाज में रेड प्रोवाइड कर सकें यानी क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें। तो आपको ये बताना है कि जब ये पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया उसके बाद इसको पूरे देश में भी लागू किया गया, तो आपको ये बताना है कब ये लागू किया गया पूरे देश में। जो आपका सर्विस एरिया अप्रोच है उसको 1 अप्रैल 1995 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, तो आप इतना याद रखिएगा। सर्विस एरिया अप्रोच आपका लीड बैंक स्कीम से रिलेटेड है जो कि रूरल फाइनेंसिंग या रूरल क्रेडिट लिंकिंग से लैंडिंग से रिलेटेड है, आप इतना याद करिएगा। बात करते हैं आरआरबी, इसकी रीजनल रूरल बैंक, इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी आरआरबी एक्ट 1976 के द्वारा। कभी कभी ये भी पूछते हैं आरआरबी एक्ट कब पास हुआ था, तो 1976 में पास हुआ था। अभी 2016 तक 56 आरआरबी थी, रीजनल रूरल बैंक थी। गवर्नमेंट का टारगेट है इनको घटा के 38 करना, लेकिन 1 अप्रैल 2020 तक अभी वर्तमान में 43 आरआरबीज हैं, यानी कि अभी हम लोग टारगेट से 5 कम हैं। तो 56 आरआरबीज को घटा के आपका 43 कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट इनको 38 करेगी आने वाले फ्यूचर में। तो वर्तमान में 43 आरआरबीज हैं, आप इतना याद रखिएगा। आरआरबीज का गठन कौन सी कमेटी के आधार पर हुआ था, तो नरसिम्हन कमेटी बनाई थी इंदिरा गांधी सरकार ने, उसके तहत आपका आरआरबीज का रीजनल रूरल बैंक का गठन हुआ था, आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं आरआरबीज के सुपरविजन या रेगुलेशन की, तो उनका रेगुलेशन या सुपरविजन करने के लिए जुलाई 1982 में नाबार्ड बनाया गया, नाबार्ड एक्ट 1981 के द्वारा। तो आप वो भी याद रखिएगा, जो आरआरबी का रेगुलेशन और सुपरविजन होता है वो नाबार्ड के हाथ में होता है। हालांकि रेगुलेशन की पावर आपकी बैंक ये आपकी आरबीआई ने ले ली थी, लेकिन सुपरविजन की पावर अभी भी नाबार्ड के पास ही है। मैं बता दूं रिसेंटली पहले जो आपकी नाबार्ड थी उसमें 72% शेयर आपके आरबीआई के थे, लेकिन अब 100% शेयर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। सारे शेयर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिए हैं आपके आरबीआई ने। तो नाबार्ड इस समय 100% गवर्नमेंट ऑन एक बैंक है, आप याद रखिएगा, और अलग से एक्ट के द्वारा बनाई गई है 1981 के एक्ट के द्वारा। तो ये सब आप सर्विस एरिया अप्रोच, लीड बैंक स्कीम, नाबार्ड, आरआरबी सब कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। अगर वापस न्यूज़ में आएगा तो उसको भी मैं कवर करवाऊंगा, क्योंकि ये तो जो है सितंबर अक्टूबर की न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, न्यूज़पेपर में रिसेंटली आपने हेडविंड्स एक टर्म आता है वो सुना होगा, तो आपको बताना है किस सेक्टर के लिए कॉमनली ये यूज़ होता है न्यूज़पेपर में। बता दूं इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हेडविंड्स टर्म का यूज़ होता है। हेडविंड्स का क्यों यूज़ होता है, जैसे आप पानी में डूब रहे हैं तो कोई बंदा आके आपको सिर से दबा रहा है, उसको कहते हैं हेडविंड्स। तो इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ यही हो रहा है, गवर्नमेंट कोई निश्चित पॉलिसी बना ही नहीं पा रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कभी आता है कहता है BS6 के वाहन नहीं बिकेंगे, कभी कहता है BS4 के वाहन नहीं बिकेंगे, कभी कहता है BS3 के वाहन नहीं बिकेंगे। तो ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर जो है बिल्कुल दिक्कत में आ गए हैं, वो करें आखिर क्या करें। कभी बोलते हो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे, कभी आप बोलते हो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे, फिर आप हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बैन कर देते हो, बोलते हो नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे। तो कोई एक पॉलिसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं आ पा रही है, जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो हेडविंड्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि उनको उबरने नहीं दे रहा है। देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS3 बैन कर दिया, फिर एक वर्ष डेढ़ वर्ष का पीरियड हुआ BS4 भी बैन कर दिया। तो उनका कहना यह था कि जब BS3 बैन किया तो उन्होंने BS4 व्हीकल मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दिए, अगर उसी समय BS4 बैन कर दिया होता तो डायरेक्टली वो BS6 पे चले जाते। इसी तरह गवर्नमेंट की नीतियां, पहले उन्होंने बोला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे, फिर नीति आयोग ने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे। तो इस समय सबसे ज्यादा हेडविंड्स आपका फेस कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर, और ग्रोथ रेट नेगेटिव चली गई है आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर की, आप याद रखिएगा। तो हेडविंड्स टर्म ये आता है कि आपको उबरने ना दिया है। इसी के अपोजिट आता है आपका टेलविंड्स, एग्रीकल्चर में टेलविंड्स यूज़ होता है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की नीतियाँ हमेशा उसको ऊपर लाने के लिए बनाई जाती हैं। तो टेलविंड्स आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और हेडविंड्स आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। और टेलविंड्स यानी नीचे की तरफ से पुश करता है आपको ऊपर लाने के लिए, और हेडविंड्स आपको ऊपर से पुश करता है ताकि आप ग्रोथ ना कर पाएं, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, संकल्प स्कीम आपको बताना है किसने लॉन्च की थी। तो पीएम मोदी ने 15th ऑफ जुलाई 2015 को लॉन्च की थी आपकी संकल्प स्कीम। फुल फॉर्म है इसका स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो आप याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है ये, आप याद रखिएगा। इसका मेन फोकस है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे। आप सभी को पता है नीति आयोग ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत 117 डिस्ट्रिक्ट
ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं इनको, तो आपका संकल्प स्कीम का भी मेन फोकस आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे ही है। वहाँ पे जो भी लोग होंगे उनको नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो उनके स्किलिंग का डाटा होगा उसका आपको संकल्प पोर्टल बनाया गया है उस पर अपलोड किया जाएगा। तो संकल्प पोर्टल भी बना दिया गया है जिसपे आपके स्किलिंग का डाटा अपलोड किया जाएगा। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका नीति आयोग का है जिसमें 117 डिस्ट्रिक्ट देखे जा रहे हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मैं बता दूं संकल्प जो आपकी स्कीम है ये एक आउटकम ओरिएंटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होती है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जिनमें 100% केंद्र ही यानी कि सेंट्रल बेयर करता है। जो आपकी संकल्प है ये एक आउटकम ओरिएंटेड स्कीम है, साथ ही साथ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किलिंग पर फोकस करती है, आप इतना याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आती है। पीएम मोदी ने 2015 जुलाई में इसको लॉन्च किया था। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है। संकल्प पोर्टल आपका स्किलिंग डाटा के लिए लॉन्च किया गया है और मेन फोकस आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे है जो कि 117 डिस्ट्रिक्ट है, नीति आयोग के द्वारा डिसाइड की गई। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। RIDF का निर्माण कैसे होता है? जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है आपका 40% का टारगेट होता है, 40% का अगर इसमें शॉर्टफॉल होता है यानी कि ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो जितना भी बचता है आपका वो सारा फंड आपका RIDF में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म फंड होता है जिसको आपका नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मेंटेन करती है, आप इतना याद रखिएगा। यहाँ पे टर्म आया है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL। तो मैं बता दूं आपको 40% टोटल PSL बैंकों को टारगेट दिया गया है, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट दिया गया है। टोटल क्रेडिट का 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना ही है। उनमें से भी डिवाइड है कैटेगरी वाइज कि आपको एग्रीकल्चर में 18% लैंड करना है, वीकर सेक्शन के लिए 10% लैंड करना है, साथ ही साथ 7.5% आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए लैंड करना है। फर्दर आपका एग्रीकल्चर के लिए जितना भी आप लैंड कर रहे हो उसमें भी एक डिवाइडेशन है कि टोटल क्रेडिट का कम से कम 8% आपका मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को मिलना ही चाहिए, तो आप इतना याद रखिएगा। तो जो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है आपका 40%, ये सभी बैंकों पर अप्लाई होता है जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं या फॉरेन बैंक हैं मोर देन 20 ब्रांचेस। फॉरेन बैंक मोर देन 20 ब्रांचेस उन पे ये सारा अप्लीकेबल होता है, यानी इतना उनको करना ही है। लेकिन जिन फॉरेन बैंक की ब्रांचेस 20 से कम होती हैं उनको सिर्फ 40% आपका अचीव करना पड़ता है, उनके लिए ये एक्स्ट्रा टारगेट नहीं दिए गए हैं। यानी कि आप किसी भी सेक्टर में दे दो आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको 40% कवर करनी है। जिन फॉरेन बैंक्स की ब्रांच 20 से नीचे होती है उनके लिए टारगेट की बात कर रहा हूं। तो आप नोट कर लीजिएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है। और कभी आपसे पूछ लेता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कौन सी होती हैं? तो जो RBI एक्ट 1934 है उसकी सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक लिस्टेड होती हैं उसको कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आपकी RRB उसी शेड्यूल में लिस्टेड है, यानी रीजनल रूरल बैंक भी आपका उसी लिस्ट में है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन ये न्यूज़ में थी रिसेंटली, ये किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है? तो डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है आपकी रोटा वायरस वैक्सीन। 2016 में आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने यूज़ करना इसको शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे और कह दिया कि सितंबर 2019 से ऑल ओवर इंडिया में रोटा वायरस वैक्सीन का यूज़ किया जाएगा डायरिया के लिए। मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि आपको ये बताना था कि इंडिया में अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट यानी 5 वर्ष तक कंप्लीट ना कर पाने वाले बच्चों की जो दर है 37 out of 1000 है, यानी 1000 में से 37 बच्चे जो है आपके अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट फेस कर रहे हैं। बताना ये पर्पज़ है कि सबसे ज़्यादा मौतों का कारण कौन सी बीमारी है? जो आपके अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट है उसका सबसे बड़ा कारण है लो बर्थ वेट, यानी कि जन्म के समय बच्चे का लो वेट होता है यानी बहुत कम वेट होता है, ये सबसे बड़ा मौतों का कारण है बच्चों में। सेकंड लार्जेस्ट रीज़न है आपका निमोनिया, सेकंड रीज़न है आपका निमोनिया जिसकी वजह से बच्चे अपना 5 वर्ष कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, 5 ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इतना याद रखिएगा इंडिया में अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट का सबसे बड़ा कारण है लो बर्थ वेट और सेकंड कारण है निमोनिया। रिसेंटली रोटा वायरस वैक्सीन को आपके ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर दिया गया है जो कि डायरिया के इलाज के लिए यूज़ की जाती है और गवर्नमेंट का एम है कि 2022 तक डायरिया से होने वाली मौतों को जीरो करना, यानी कि किसी भी बच्चे की मौत आपका डायरिया से नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का एम है 2022 तक, आप इतना याद रखिएगा। और ये चमकी बुखार आपको याद रखना है, लीची खाने से बिहार में चर्चा में आया था, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है ये, चमकी बुखार कहा जाता है लोकल एरिया में, रिसेंटली फिर से जो है चर्चा में आया है तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया का फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत को इंडिया का फर्स्ट CDS नियुक्त किया गया है। देखिए ये आपका फोर स्टार रैंक ऑफिसर होता है, जैसे आपके तीनों आर्मी चीफ 4-स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं वैसे ये आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होता है। इंडिया में सिर्फ फील्ड मार्शल आपका होता है जो 5-स्टार रैंक का ऑफिसर होता है। आज तक 2 फील्ड मार्शल हुए हैं इंडिया में, KM करियप्पा और सैम मॉनिकसॉ, तो आप इतना याद रखिएगा। जो आपके जनरल बिपिन रावत हैं जो फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया हैं उनका टेन्योर 3 ईयर्स का है या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स, इनमें से जो भी कंप्लीट कर लेता है
वो उतना ही एज तक या फिर उतने टाइम तक आप जो है CDS के पद पे रह सकेंगे। CDS का मेन पर्पज़ है आपका कोऑर्डिनेशन का काम करेगा तीनों सेनाओं के बीच में, और सलाहकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, आप इतना याद रखिएगा। तीन कमेटी CDS से रिलेटेड हैं, कारगिल रिव्यू कमेटी जो आपकी 2000 में बनी थी, इसने रिकमेंड किया था CDS का पद। फिर नरेश चंद्र कमेटी बनी आपकी 2012 में, इसने भी रिकमेंड किया। उसके बाद डिफेंस सेक्टर स्पेंडिंग से रिलेटेड DB सेकटकर कमेटी बनी थी 2016 में, 2016 में इसने भी रिकमेंड किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का। तो आप देखिएगा रिसेंटली इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के रूप में पहली बार नियुक्ति हुई आपके जनरल बिपिन रावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान किसके द्वारा या किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको देखना है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कुसुम स्कीम लॉन्च की गई है जुलाई 2019 में, आप इतना याद रखिएगा। इसका पर्पज है किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 50-50 रेशियो लेके चल रहे हैं सेंटर और स्टेट। इसमें क्या होगा, सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। कितनी? टोटल 60% आपकी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी सोलर पंप लगाने के लिए, आप इतना याद रखिएगा। और बैंकों से 30% लोन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि किसान को इनिशियल तौर पे सिर्फ 10% अमाउंट की आवश्यकता होगी। अगर वो 10% डाउन पेमेंट कर देता है तो वो आपका सोलर पंप इंस्टॉल कर सकता है अपने खेतों में। इस स्कीम में कहा गया है कि 2 मेगावाट का आपका सोलर पंप हर किसान के खेत में लगाना है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स हैं, इरीगेशन आपने देखा होगा सरकारी ट्यूबवेल्स कहते हैं उनको, उन सबका सोलराइजेशन करना ही करना है। इस स्कीम के दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट का एम है 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करना, 100 गीगावाट 2022 तक, जिसमें से जो आपकी कुसुम स्कीम है उसके तहत, सिर्फ उसके तहत 25,750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी कि 25 गीगावाट सिर्फ कुसुम स्कीम के तहत जनरेट हो सकती है। और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने टोटल बजट एलोकेट किया है आपका कुसुम स्कीम के लिए 34,422 करोड़ रुपए, यानी 34,422 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इतना ही बजट आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी देगी कुसुम स्कीम के लिए। और 2 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर पंप इस्टेब्लिश किया जाएगा सारे खेतों में, जिसमें 60% सब्सिडी किसानों को प्रोवाइड की जाएगी, और जो बाकी का 40% बचेगा उसमें 10% किसानों को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 30% वो बैंकों से लोन ले सकते हैं। बात करें अगर इरीगेशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले स्टेट्स की, तो आप सभी को पता है कि इरीगेशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है तमिलनाडु। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए कौन यूज़ करता है, तो पंजाब यूज़ करता है। उसी तरह अगर बात करें इरीगेशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला राज्य, तो तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पर कर्नाटक है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपका कुसुम स्कीम लॉन्च की गई है नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। और इसके मिनिस्टर कौन है? आरके सिंह, इसके स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टर हैं आरके सिंह, आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं आरके सिंह, आप इतना जरूर याद रखिएगा। और मैंने आप सभी को बता दिया कि 34,422 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है कुसुम स्कीम के लिए, और इसका लक्ष्य 25,750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना 2022 तक। और इसमें 50% भागीदारी राज्यों की भी है, सब्सिडी भी मैंने बता दी, और 2 मेगावाट का सोलर पंप इंस्टॉल करना है हर किसान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, रिसेंटली 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो ये अशोक दलवाई कमेटी आपकी 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने से रिलेटेड है, आप याद रखिएगा। 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी अशोक दलवाई कमेटी, बहुत चर्चा में रहता है ये आपका कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है। मैं बता दूं रिसेंटली जो बजट हुआ था उसमें 16 पॉइंट एक्शन प्लान एग्रीकल्चर फील्ड के लिए लाया गया था ताकि किसानों की इनकम को 2022 तक डबल किया सके। तो अशोक दलवाई कमेटी किसानों की इनकम को 2022 तक डबल करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग ये फार्मूला यूज़ किया जा रहा है पॉलिसी रेट बनाते टाइम, तो कौन यूज़ कर रहा है? तो आप सभी को पता है पॉलिसी रेट कौन बनाता है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आपका पॉलिसी रेट बनाता है। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब ये होता है कि हम पॉलिसी रेट डिक्रीज़ तो करेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब यही होता है कि पॉलिसी रेट डिक्रीज़ होना भूल जाइए, या तो ये यही स्टेबल रहेंगी या फिर ये बढ़ेंगी, डिक्रीज़ बिल्कुल नहीं होंगी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो 2016 के पहले RBI आपका रेपो रेट, जिसको रीपर्चेस रेट कहते हैं, वो डिसाइड करता था। 2016 में आपकी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बन गई, जिसमें 3 आपके गवर्नमेंट के और 3 RBI के पर्सन होते हैं। वीटो का वोटिंग पावर आपके RBI गवर्नर के पास रहता है, कभी सपोज के लिए टाई हो जाए इनकी वोटिंग, तो आपका वीटो का पावर RBI गवर्नर के पास रहता है, आप याद रखिएगा। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आपकी रेपो रेट डिसाइड करती है, जिसको कहते हैं रीपर्चेज रेट। ये एक शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट होती है, जिसमें RBI शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले, तो आप याद रखिएगा।
जब भी रेपो रेट घटती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी अपोजिट रहता है, आप याद रखिएगा। रेपो रेट घटेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। हालांकि इन्फ्लेशन कई मायने तक आपका प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आरबीआई रेपो रेट का यूज़ मोस्टली ऐसे करती है। पहले ऐसा था कि रेपो रेट प्लस माइनस आपका रिवर्स रेपो रेट निकल आता था और बैंक रेट निकल आता था, लेकिन अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि प्लस माइनस आप कर देंगे तो रिवर्स रेपो रेट निकल आएगा या फिर बैंक रेट निकल जाएगा। रिसेंटली मैं बता दूं आपको, 75 बेसिस पॉइंट की कमी की है आरबीआई ने रेपो रेट में, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में उसने 90% बेसिक पॉइंट की कमी कर दी है। तो आप देख रहे ना, अब कोई मतलब नहीं रह गया, आपको अलग से ही उनको याद करना पड़ेगा। तो जब मैं करंट में आऊँगा तो मैं आपको रेपो रेट बताऊँगा, इस समय कोई उसका औचित्य नहीं है बताने का, क्योंकि ये सितंबर की न्यूज़ है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, रेपो रेट आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, जिसमें 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। वीटो का पावर आपके आरबीआई गवर्नर के पास होता है। और हाँ, ईयर में कम से कम 4 बार इनकी बैठक अनिवार्य है। हालांकि ये बाई मंथली रेपो रेट डिसाइड करते हैं, यानी कि दो महीने में बैठक तो होती है, लेकिन कभी किसी कारण से ना हो पाए फिर भी इनको 4 बार बैठक करनी ही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आपका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है आरबीआई का, वो है 4% प्लस माइनस 2%, यानी आरबीआई जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका टारगेट इन्फ्लेशन का 4 प्लस माइनस 2% है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कि खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो आप देख लीजिए, खरीफ वो क्रॉप्स होती हैं जो आपकी जुलाई अगस्त के सीजन में बोई जाती हैं और इधर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, आप इतना याद रखिएगा। तो जून जुलाई में आपकी बोई जाती हैं, कौन सी क्रॉप्स होगी, जैसे चावल है आपका, राइस जिसको आप पैडी क्रॉप्स कहते हैं धान के रूप में। तो आप यहां देख लीजिए, खरीफ क्रॉप आपकी हो जाएगी ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली गुजरात के क्षेत्र में बोई जाती है, ये एरिड रीजन में बोई जाने वाली फसल है, ये खरीफ के सीजन में बोई जाती है, आप याद रखिएगा। बाकी बाल्डे हुआ, मस्टर्ड हुआ, ग्राम्स हुआ, ये आपकी रबी की फसल है। मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना था, आप नोट कर लीजिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपके 31 दिसंबर को घोषणा की थी कि रबी शोइंग एरिया में, यानी कि जितने क्षेत्र में रबी की बुआई होती है उसमें 36 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो पहले ये जो रबी शोइंग एरिया आपका था 536 लाख हेक्टेयर, अब वो बढ़ के हो गया है 571.8 लाख हेक्टेयर, यानी कि 572 लाख हेक्टेयर हो गया है रबी शोइंग एरिया। तो आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था, और पता था तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो रबी शोइंग एरिया में इंक्रीज हुआ है 31 दिसंबर 2019 को आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था, और यही लेटेस्ट डाटा है रबी शोइंग एरिया के लिए। और इसका कारण क्या बताया था कि सॉइल में मॉइस्चर बढ़ गया है, इस वजह से लोगों ने रबी की फसल काफ़ी अधिक क्षेत्र पर बोई है। तो आप इतना याद रखिएगा। खरीफ में आप सभी को पता है सोयाबीन, राइस, ग्राउंड नट, ये सब खरीफ में आते हैं, जबकि रबी में कौन आता है, वीट, बार्ले और ये ग्राम आता है आपका, और मस्टर्ड वगैरह आपकी सारी रबी में आती हैं। रबी आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है इधर, और इधर मई मार्च अप्रैल में कटाई होती है, अप्रैल मई जून तक। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा, जो मई जून होता है उससे लेके आपका जुलाई अगस्त तक, ये पीरियड जायद का होता है, मोस्टली वेजिटेबल्स इसमें बोई जाती हैं, जैसे आपका वाटरमेलन हुआ, मैकमेलन हुआ, खीरा हुआ, जो आप लोग खाते हैं, ककड़ी हुई, ये सब जायद की फसलें हैं। तो रबी, खरीफ, जायद, कन्फ्यूज़ अगर हो रहे हो आप तो आप याद रखिएगा, खरीफ खास से शुरू होता है, यानी कि रबी हमेशा बाद में आएगा और खरीफ पहले आएगा, आप इतना याद रखिएगा। रबी आपका आर से शुरू हो रहा है, खरीफ आपका के से शुरू हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, ईयर की स्टार्टिंग या फिर पहले आपका खरीफ आएगा और रबी आपका लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, खरीफ आपका जून जुलाई में आ रहा है और रबी आपका अक्टूबर नवंबर में आ रहा है। बुआई की बात कर रहा हूँ, सोइंग पीरियड की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले आपको बताना है एग्रीकल्चर की किस ब्रांच में आते हैं। तो आप सभी को पता है मसाले आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो उस तरह से मसाले भी आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं। इंडिया में टोटल एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं, 7 ब्रांचेस हैं इंडिया में एग्रीकल्चर की। एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री है आपकी एक ब्रांच, फिशरीज है आपकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है, और एक ब्रांच है आपकी होम साइंस। तो ये 7 ब्रांचेस हैं जिसमें से आपका जो स्पाइसेस है यानी मसाले वो आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवीआईसी ने अपना फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के सुरेंद्र नगर में स्थापित किया है। इसका मेन पर्पज है पटोला साड़ीज, जो आपकी गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ियाँ हैं, तो पटोला साड़ीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना इसका मेन पर्पज है। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली केवीआईसी ने अपना फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के सुरेंद्रनगर में स्थापित किया है। केवीआईसी की बात करें यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो केवीआईसी एक्ट 1956 के द्वारा अप्रैल 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, बीके सक्सेना, और आप याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तहत आपका आता है केवीआईसी। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली इन्होंने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के सुरेंद्रनगर में ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के अनुसार रिसेंटली गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया है आपका कि डबल करना है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किस वर्ष तक।
तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के अनुसार गवर्नमेंट ने एग्री एक्सपोर्ट को डबल करने की ठानी है। किस वर्ष तक? 2022 तक। इनका कहना है कि वर्तमान में जितना भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको 2022 तक ये डबल कर देंगे। वर्तमान में कितना है? $30 बिलियन का हम एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसको 2022 तक बढ़ा के आपका $60 बिलियन कर दिया जाएगा। तो आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐसी घोषणा की है, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी घोषणा करते हैं, बजट में उन्होंने बोल ही दिया था, या आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने उसको रिपीट किया है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का लक्ष्य मैंने आपको बता दिया, 2022 तक $60 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। ये जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एपिडा। आप सभी ने एपिडा का नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। एपिडा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती, आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। 1986 में उसकी स्थापना हुई थी, आप इतना याद रखेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए वो एक अपेक्स बॉडी है एपिडा। एपिडा जो है आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और इसने फार्मर कनेक्ट पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि किसानों को डायरेक्टली एक्सपोर्टर से जोड़ा जा सके। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें फार्मर कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो एपिडा ने लॉन्च किया है ताकि एक्सपोर्टर्स और किसानों को आपस में जोड़ा जा सके। रिसेंट में एक न्यूज़ चर्चा में थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को कितने राज्यों ने मान्यता दे दी है? तो 8 राज्यों ने मान्यता दे दी है आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को। यूपी, महाराष्ट्र, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक, ये 8 राज्य हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को मान्यता दे दी है। उसका लक्ष्य मैंने आपको बता दिया, वर्तमान में $30 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते हैं, 2022 तक उसको डबल करना है, यानी $60 बिलियन करना है, और आगे आने वाले कुछ वर्षों में $100 बिलियन करना है। लेकिन कुछ वर्ष ही लिखे थे, आगे कुछ नहीं लिखा था, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो 1960 में आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पंतनगर उत्तराखंड में इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित की थी। लेकिन आप सभी को पता है गोविंद वल्लभ पंत आपके यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए उनके नाम पे इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया आपका जीबी पंत यूनिवर्सिटी। तो आप इतना याद रखिएगा, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्तमान में उत्तराखंड के पंतनगर में लोकेटेड है ये। एक और इंस्टीट्यूट है, आप उसका भी नाम याद रखिएगा, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पुराना नाम लोग बोलते थे पूसा इंस्टीट्यूट, क्योंकि बिहार के पूसा में इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। तो IARI की स्थापना बिहार के पूसा में हुई थी 1905 में, आप याद रखिएगा, इसीलिए इसको पूसा बोलते थे। बाद में 1936 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था नई दिल्ली में, तो इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में नई दिल्ली में है। आप याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के तहत ये आता है। तो और जब 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, तो हेनरी फिप्स जो अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हेल्प की थी इसकी स्थापना में। तो हेनरी फिप्स का नाम आप जरूर याद रखिएगा, स्टार्टिंग में इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, बाद में इसका नाम बदल के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। वर्तमान में इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और 1936 में ये पूसा से दिल्ली को ट्रांसफर की गई थी, हालांकि स्थापना हुई थी 1905 में। तो ये दो आप इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापना हुई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है इस समय, और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में स्थापना हुई थी, बाद में 1936 में दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, क्योंकि पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इन इंडिया फर्स्ट फार्मर साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई किस सिटी में? तो आप याद रखिएगा, इंडियन साइंस कांग्रेस जो इस बार हुई थी, उसी के साथ इंडिया की पहली फार्मर साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ आपका बेंगलुरु में। तो आप इतना याद रखेंगे, ये जो है 107th जो आपकी इंडियन साइंस कांग्रेस थी, उसके एक पार्ट के तौर पे ऑर्गेनाइज हुई बेंगलुरु की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो अभी आप इतना याद रखिए, थीम के विषय में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं थी आपकी फॉर्मर साइंस कांग्रेस की, हालांकि जो आपकी साइंस कांग्रेस है उसके थीम के विषय में जानकारी अवेलेबल थी, जो जनवरी का मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगा उसमें जो है आपका इंक्लूड जरूर करूंगा। तो ये सितंबर में डिसाइड हुआ था कि इस बार की फॉर्मर साइंस कांग्रेस के साथ आपका साइंस कांग्रेस के साथ आपका इंडिया की पहली बार फॉर्मर साइंस कांग्रेस का भी आयोजन होगा, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर लिया। तो आपकी इंडिया की पहली फॉर्मर साइंस कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम गुजरात में स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? तो फसाई ने आपकी वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम गुजरात में लॉन्च की है। फसाई को आप वो सभी को फुल फॉर्म बताओ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई एक्ट 2006 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, चेयरपर्सन है इसकी रीता तेवतिया जी। तो रिसेंटली फसाई ने आपकी फूड में अडल्ट्रेशन ना होने पाए इसको श्योर करने के लिए वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम लॉन्च की है गुजरात में। गुजरात और कई कारणों से भी फेमस है, जैसे आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और अमूल का भी हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो आप याद रखिएगा। तो रिसेंटली आपके वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम आपके फसाई ने स्टार्ट की है ताकि दूध में अडल्ट्रेशन को रोका जा सके। इसमें क्या होगा, जो आपके मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं और वेंडर होते हैं वो जो है
एडल्ट नहीं कर पाएंगे, मिल्क में कोई भी मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा फसाई के द्वारा। रिसेंटली फसाई ने एक सर्वे किया था, ऐसा पाया गया था पूरे देश में दूध में सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपके फसाई ने गुजरात में वेरीफाइड मिल्क वेंडर स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो रोम इटली, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और IFAD दोनों का हेडक्वार्टर आपका इटली में है। कभी आप कन्फ्यूज हैं तो आप एग्रीकल्चर से देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का हेडक्वार्टर इटली में है। रिसेंटली इसकी काउंसिल की बैठक हुई थी रोम इटली में, तब इन्होंने डिसाइड किया फार्मर्स इनोवेशन फंड सेटअप करने की घोषणा की। तो फार्मर्स इनोवेशन फंड बनाने की घोषणा किसने की थी? IFAD ने। IFAD यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मैंने कई बार आपको बताया करंट अफेयर्स की वीडियो में कि यूनाइटेड नेशन में 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं और 6 परमानेंट ऑर्गन हैं। इन 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी में से आपकी IFAD भी एक संस्था है। IFAD की स्थापना 1977 में हुई थी, हेडक्वार्टर रोम इटली में, मैंने बता दिया आपको, और वर्तमान में गिल्बर्ट होंगबो इस समय इसके हेड हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, फार्मर इनोवेशन फंड सेटअप करने की घोषणा आपके IFAD ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है इनमें से कौन ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो आपके नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, MS स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का पितामह इनको कहा जाता है, जबकि वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विलियम एस गॉड, इन्होंने तो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म का पहली बार यूज ही किया था। तो ये तीन लोग इससे रिलेटेड हैं, हालांकि सुभाष पालेकर आपके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड हैं, आप याद रखिएगा। तो ये तीनों लोग आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। 1960 के दशक में आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, मैक्सिको से शुरुआत हुई थी आपकी हरित क्रांति की, उत्पादन में बढ़ावा करने के लिए पहली बार भारत में हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स का यूज़ किया गया। इसके अलावा बता दूं, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन था ऑल ओवर इंडिया में उसका ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और मैक्सिको से जन्म हुआ था और ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म का सबसे पहले यूज़ किया था विलियम एस गॉट ने। और मैंने आपको जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में करेक्ट करवाया था, नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था क्योंकि इन्होंने फूड प्रोडक्शन को बहुत हद तक बढ़ा दिया। तो आप याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का पितामह माना जाता है, और वर्ल्ड में किसे माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, MSDE हो गया है, MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप की है ट्रेंस द ट्रेनर प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेंस एंड ट्रेनर प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है, उसके लिए MSDE ने पार्टनरशिप इसके साथ की है। तो आपके IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका ट्रेंस द ट्रेनर प्रोग्राम में हेल्प करेगा MSDE की। देखिए, ट्रेंस द ट्रेनर प्रोग्राम बेसिकली है क्या, स्किल इंडिया मिशन के तहत कई सारे ट्रेनर्स होते हैं जो लोगों को स्किल प्रोवाइड करते हैं यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो पहले उनको खुद तो नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग कई लोग दे रहे हैं, तो पहले उनको आपका IBM ट्रेनिंग खुद देगा ताकि वो लोगों को ट्रेंड कर सकें। तो ट्रेस द ट्रेनर प्रोग्राम के तहत IBM ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से पार्टनरशिप की है ताकि स्किल इंडिया मिशन के तहत वो इस प्रोग्राम में सहभागिता दे सकें। आप सभी को पता है स्किल इंडिया मिशन PM मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015 में। तो ट्रेनर प्रोग्राम आपका IBM चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से लोगों को, यानी जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। IBM बहुत चर्चा में है, IBM का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसके CEO कौन है, क्योंकि अभी अप्रैल में ही इसके CEO बने हैं अरविंद कृष्णा जी, तो इंडियन ओरिजिन के हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं अरविंद कृष्णा जी। इन्होंने गिन्नी रोमेटी की जगह ली है IBM में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1909 जब मॉले मिंटो रिफॉर्म आए थे इंडिया में तब इसकी स्थापना हुई थी IBM की। तो आप याद रखिएगा, IBM में रिसेंटली अरविंद कृष्णा जी CEO बनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जो अर्पित स्कीम है आपको बताना है उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है। यहाँ अर्पित का फुल फॉर्म दिया है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसके मिनिस्टर हैं। 15 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी HRD मिनिस्ट्री द्वारा। तो अब याद रखिएगा, अर्पित स्कीम आपकी HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसका पर्पज़ क्या है, जो आपके हायर एजुकेशन में फैकल्टीज हैं उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। आप सभी को पता है कि जो ये पढ़ा रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, इनकी नॉलेज पुरानी नॉलेज है जब ये पढ़ के खुद से निकले थे, तो वर्तमान में कई सारे चेंजेस आ चुके हैं इनकी नॉलेज में, तो ये नॉलेज से जुड़ाव इनका टूट गया है। तो अर्पित स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है ताकि ये लोग अपनी नॉलेज को रिवैम्प कर सकें,
यानी लेटेस्ट अपडेट जो भी आ रहे हैं उनको इंक्लूड कर सकें अपनी नॉलेज में, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टी हैं वो अर्पित स्कीम के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जो आपका स्वयं है, स्वयं एक ऑनलाइन पोर्टल है, स्वयं का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं पोर्टल के द्वारा इनको जो है प्रोवाइड की जाएगी आपकी लेटेस्ट जो भी तकनीकें आ रही हैं, नॉलेज आ रही हैं अर्पित स्कीम के तहत जो भी आपके हायर एजुकेशन फैकल्टी हैं उनको। तो आप याद रखेंगे अर्पित स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के तहत लॉन्च की गई थी 15 दिसंबर 2019 को। ये जो है हायर एजुकेशन फैकल्टी में प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने के लिए लॉन्च की गई है और इसके तहत 75 नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन के कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे और उन डिसिप्लिन से रिलेटेड फैकल्टीज वहाँ पे जाके लेटेस्ट नॉलेज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आप याद रखिएगा नेशनल रिसोर्स सेंटर अर्पित स्कीम के तहत बनाए गए हैं 75, और स्वयं प्लेटफॉर्म के तहत इनको जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और आप सभी को पता है स्वयं प्लेटफॉर्म सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है और ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, गोल्ड रिजर्व की रिपोर्ट जारी की गई थी आपके वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। आपको बताना है यदि IMF को इंक्लूड कर लिया जाए तो वर्ल्ड में इंडिया की गोल्ड रिजर्व के मामले में पोजीशन क्या है। IMF को इंक्लूड करने के बाद इंडिया 10th नंबर पे आता है वर्ल्ड में गोल्ड रिजर्व के मामले में। फर्स्ट नंबर पे हमेशा आपका USA है, आप याद रखिएगा। कंट्रीज में बात करें तो सबसे ज़्यादा USA के पास गोल्ड है। सेकेंड नंबर पे आपका जर्मनी है और थर्ड नंबर पे आपका IMF है। तो अगर IMF को इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया 10th नंबर पे है, अन्यथा इंडिया 9th नंबर पे है। IMF ऐसे थर्ड नंबर पे है, अगर IMF को बाहर निकाल लिया है तो इसकी जगह पे इटली आ जाएगा, आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं गोल्ड रिजर्व की, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व आपके अमेरिका के पास है 8,000 टन जो है आपका अमेरिका के पास गोल्ड है, जबकि इंडिया के पास कितना है 618 टन। आप इंडिया का नोट कर लीजिएगा, आपको अमेरिका की नोट करने की जरूरत नहीं। तो 618 टन गोल्ड इंडिया के पास इस समय है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी। इंडिया वर्ल्ड में 9th नंबर पे है कंट्रीज वाइज, और अगर IMF को इंक्लूड कर ले तो 10th नंबर पे है। और ये जो आपकी रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जारी की थी उसका हेडक्वार्टर लंदन में है, आप याद रखिएगा 1987 में स्थापित किया गया था वो। और जो गोल्ड इंडस्ट्रीज की मार्केट है उसके लिए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ये माइनिंग से लेके यानी गोल्ड की माइनिंग से लेके गोल्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट तक का सबका ध्यान रखता है आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। लंदन में हेडक्वार्टर है, 1987 में स्थापना हुई थी। और गोल्ड रिजर्व के मामले में इंडिया जो है 9th नंबर में है कंट्रीज वाइज, ऐसे आपका 10th नंबर पे है, और इंडिया के पास 618 टन यानी 618 टन गोल्ड रिजर्व है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, तिरुमला टेम्पल ये बहुत चर्चा में था, क्यों? क्योंकि इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है। आपको बताना किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है तिरुमला टेम्पल, लॉर्ड वेंकटेश्वरा का ये टेम्पल है और इसका टोटल बजट पर ईयर का है 3,000 करोड़। इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है इसलिए चर्चा में था, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, आंध्र प्रदेश में है लॉर्ड वेंकटेश्वरा का टेम्पल। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, आपको बताना है कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है। तो ब्राज़ील वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका कॉफ़ी का, आप इतना याद रखिएगा। इंडिया की अगर बात करें कौन से स्टेट में सर्वाधिक कॉफ़ी होती, तो कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी होती है आपकी इंडिया की। बात करते हैं कौन सी कॉफ़ी वैरायटी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है इंडिया, तो अरेबिका और रोबस्टा दो कॉफ़ी वैरायटी का उत्पादन इंडिया करता है, जिसमें अरेबिका का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन में इंडिया अरेबिका का उत्पादन करता है। हालांकि अगर क्वालिटी वाइज देखी जाए कि क्वालिटी किसकी अच्छी होती है, तो रोबस्टा कॉफ़ी वैरायटी की क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन होती है, तो आप इतना याद रखिएगा। हालांकि इंडिया जो है अरेबिका का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, उत्पादन में वर्ल्ड में आपका ब्राज़ील नंबर 1 पे है, इंडिया में कर्नाटक स्टेट नंबर 1 पे है। और इंडिया में कॉफ़ी बोर्ड का कार्यालय कहाँ है, तो कॉफ़ी बोर्ड का कार्यालय आपका है बेंगलुरु में। देखिए चार बोर्ड इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, टी बोर्ड और जूट बोर्ड का कार्यालय आपका कोलकाता में है, दो कार्यालय हो गए। कॉफ़ी बोर्ड का कार्यालय आपका बेंगलुरु में है, टोबैको बोर्ड का कार्यालय गुंटूरु आंध्र प्रदेश में है। इनमें से सिर्फ जूट बोर्ड है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, बाकी तीनों बोर्ड आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, आप इतना याद रखिएगा। तो अरेबिका कॉफ़ी इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि अरेबिका कॉफ़ी के यील्ड में कमी आ गई है। यील्ड आप कैसे डिसाइड करते हैं, उत्पादन पर हेक्टेयर के हिसाब से यील्ड डिसाइड की जाती है। एक हेक्टेयर में किसी एक जगह पर इतना उत्पादन हो रहा है, दूसरी जगह पर इतना उत्पादन हो रहा है, तो जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होगा एक ही हेक्टेयर में वहाँ पर कहा जाएगा यील्ड ज़्यादा है, और जहाँ पर कम उत्पादन हो जाएगा वहाँ पर कहा जाएगा यील्ड कम है, तो आप याद रखिएगा। और बात करते हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, तो इंडिया जितना भी कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है उसका 80% एक्सपोर्ट कर देता है, सिर्फ 20% का कंजप्शन इंडिया में होता है, जबकि चाय में सिर्फ उल्टा है इसका। टी प्रोडक्शन में इंडिया 80% कंजप्शन करता है जबकि 20% एक्सपोर्ट करता है, तो आप इतना याद रखिएगा। आज हमारे पास ये 25 क्वेश्चन थे, कोशिश कुछ नहीं करनी है अभी, 25 क्वेश्चन मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन 15 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।